सिकलिकल बिहेवियर ऑफ की मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर जी जो स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कॉमन फीचर्स रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स ड्यूरिंग अ बिजनेस हमने इस पर बात की थी तो आज हम उसमें दे दो वेरिएबल्स पर मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे पहले नंबर पर हम प्रोडक्शन पर बात करेंगे प्रोडक्शन आप जानते हैं दिस इज़ द बेसिक इंडिकेटर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इट इज़ प्रोसिक्लिकल प्रोसिक्लिकल को हमने डिफ़ाइन किया था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की डायरेक्शन है यानी प्रोडक्शन इंक्रीज़ेस इन एक्सपेंशन एंड इट डिक्रीज इन कंट्रैक्शनस डायरेक्शन के हवाले से ये प्रोसिक्लिकल है और टाइमिंग के हवाले से ये को इंसीडेंट है इसको हमने डिफ़ाइन किया था को इंसीडेंट से मुराद ये है कि जो प्रोडक्शन वेरिएबल्स में जो टर्निंग पॉइंट्स की टाइमिंग है वही टाइमिंग एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटी की है एट द सेम टाइम दोनों के टर्निंग पॉइंट्स आते हैं पीकस एंड ट्रफ्स आती हैं ओके आलमोस्ट आल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन राइज इन एक्सपेंशन एंड फॉल इन रिसेसन बट द सिकलिकल सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन इन सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनमी इज ग्रेटर दैन अदर्स तमाम प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्रोसिक्लीकल हैं लेकिन कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं दे आर मोर स्ट्रोंगली प्रोसिक्लिकल एंड सम अदर्स आर रिलेटिवलीस प्रोसिकलीकल कौन सी स्ट्रॉली प्रोसिक्लिकल हैं इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस रेलेटिवली ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग गुड्स वो इंडस्ट्रीज जो ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं लॉन्ग लास्टिंग गुड्स प्रोड्यूस करती हैं फॉर एग्जांपल हाउसिंग इंडस्ट्री है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं दीज इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्ड स्ट्रॉली टू द बिजनेस साइकिल स्ट्रांगली से मुराद ये है एक्सपेंशनस में इनमें ज़्यादा तेज़ी से इजाफ़ा होता है और रिसेशंस में इनमें ज़्यादा तेज़ी से कमी वाकई होती है और इसके बरक्स वो इंडस्ट्रीज़ जो रिलेटिवली नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं ठीक है फूड्स पेपर प्रोडक्ट्स और इसी तरह सर्विसेज की इंडस्ट्रीज़ एजुकेशन इंश्योरेंस वग़ैरह जो है ये ये इंडस्ट्रीज़ रिलेटिवली लेस सेंसिटिव हैं टू द बिजनेस साइकिल यानी ये एक्सपेंशन में इनमें इजाफा तो होता है लेकिन उतना इजाफा नहीं होता जितना ज़्यादा इजाफा ड्यूरेबल गुड्स की इंडस्ट्रीज में होता है सो सेकंड जिस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पर हम बात करेंगे वो है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर कितनी तरह के होते हैं आप जानते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेकिन हम दो पर बात करेंगे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे कंजम्पशन के फर्दर कंपोनेंट्स क्या हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स ये कंजम्पशन के कंपोनेंट्स हैं और इसी तरह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सो जो कॉमन फीचर हम नोट करते हैं एम्पेरिकली वो ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स आर मोर स्ट्रांगली प्रोसिक्लिकल दैन कन्जम्पन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर कन्जम्पन एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसज और यानी कन्जम्पन विद इन कन्जम्पन दीद आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्जम्पन एक्सपेंडिचर इनको अगर हम वन बाई वन इनको अगर हम कम्पेयर करना चाहेंगे देखना चाहेंगे तो इसमें ये बात सामने आती है कि जो ड्यूरेबल आइटम्स की कंजम्पन एक्सपेंडिचर है ओके वो ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोसिक्लिकल है एज कम्पेयर टू द नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कंजम्पशन और सर्विसेज भी उसी तरह से नॉन ड्यूरेबल गुड्स की तरह से आती है ओवरऑल अगर आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इज़ मोर स्ट्रांगली प्रोसिक्लिकल दैन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ओके मेरे ख्याल में ये बात क्लियर होगी कि इन्वेस्टमेंट इज़ मोर स्ट्रांगली प्रोसिक एज कंपेयर टू कंजम्पशन एंड विद इन कंजम्पशन वो चीज़ें जो ड्यूरेबल कंजम्पशन के ज़ुमरे में आती हैं दे आर मोर प्रोसिक्लिकल एज़ कम्पेयर टू दोज जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं तो बेसिक जो पॉइंट सामने से आ रहा है वो ये कि ड्यूरेबिलिटी एक्चुअली इज़ द की डिटर्मनिंग फैक्टर्स जो इस सेंसिटिविटी को डिटर्मन करता है कि कोई वेरिएबल कितना सेंसिटिव है वो एक्सपेंशन में कितनी तेज़ी से मूव करता है और उसमें रिसेशन में कितनी तेज़ी से कम होता है इन्वेस्टमेंट में एक ख़ास तरह की इन्वेस्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस साइकिल के हवाले से वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट मॉड्यूल में भी बात की थी कि ये मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो हैं वो इन्वेंट्री में आती इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से एक जो है टाइप वो इन्वेंट्री है तो सबसे ज़्यादा वालीटाइल उसमें जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट बताते ख़ुद मोस्ट वॉलेटाइल है और उस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है उनमें से इन्वेंट्री इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट सो so, इन्वेंट्री जो है इट इज़ जनरली प्रो 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 प्रोसिक्लिकल आप जानते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें एग्रीगेट इकनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी एक्सपेंशन हो रही है तो इन्वेंट्रीज में भी इजाफा होता है और उसमें कंट्रैक्शन हो रही है तो इसमें भी कमी होती है और लीडिंग है लीडिंग का मतलब ये है कि इनके जो टर्निंग पॉइंट्स है वो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इन एडवांस मूव करते हैं सो so, हमने ये भी देखा था कि अगरचे इन्वेंट्री का जो शेयर है टोटल स्पेंडिंग में इट इज़ जस्ट अबाउट वन परसेंट बट इसमें जो शार्प फ्लक्चुएशनज आती हैं उनकी वजह से जो टोटल डिक्लाइन आती है स्पेंडिंग में ये उसका उसमें इसका शेयर बहुत लार्ज होता है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट आप कह सकते हैं इसका शेयर होता है यानी ये मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का ठीक है और इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर का मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है थैंक यू वेरी मच